चैंपियन सज्जनों अब आ रहे हैं इस मैच पर एक ऐसे योगी जिन्होंने पूरी दुनिया को योग सिखाया, एक ऐसे एंटरप्रेन्योर जिन्होंने पतंजलि द्वारा अंतरराष्ट्रीय प्रोडक्ट्स के ऊपर फतेह पाई। अब इस रिंग में फतेह पाने आ रहे हैं तो मेरे साथ जोरदार ताली बजाने के लिए बाबा रामदेव। ये अद्भुत है, ये धरती है। बाबा रामदेव मुस्कुराते हुए एक सकारात्मक सोच के साथ अंदर आते हुए और उनकी टक्कर जैसे हम कह रहे थे आंद्रे स्टैडनिक से हो रही है जो कि ओलंपिक में सिल्वर मेडलिस्ट है, यूरोपियन चैंपियन है। और ये एक बहुत ही दिलचस्प भिड़ंत होने वाली है, एक एग्जीबिशन मुकाबला है बाबा रामदेव और आंद्रे स्टैडनिक के बीच में। पर बाबा रामदेव के पास जो क्षमता है, जो कला है वो अद्भुत है। योग गुरु के तौर पर जाने जाते हैं, योग गुरु, और योग का प्रचार दुनिया भर में उन्होंने किया, उसको बढ़ाया, एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। ये देखिए सूर्य नमस्कार से उन्होंने शुरुआत की, पश्चिमोत्तानासन हो चाहे उसके साथ जो कई आसन, और उसका बहुत ही अच्छा संगम। और आंद्रे स्टैडनिक देख रहे हैं कि ये गुरुजी क्या कर रहे हैं, और मुझे लगता है कहीं पहले ही ना बैकफुट पे चले जाए। ये तो ये तो कला पहले ही दिखा दी, बाउट से पहले ही कला दिखा दी है। ओ, क्या लचक है। और आंद्रे स्टैडनिक मुझे लगता है थोड़ा सा यहाँ पे बैकफुट पे है कि सोच रहे हैं इतने गजब की फील्ड बाबा रामदेव की। और उनकी विनम्रता देखिए, ये सब कला का प्रदर्शन करने के बाद उन्होंने हाथ जोड़कर अपने प्रतिद्वंदी का अभिवादन भी किया, यहाँ और साथ में है थोड़ा सा आशीर्वाद भी दिया। तो ये है बड़प्पन, ये है बड़प्पन बाबा रामदेव का। अशोक कुमार रेफरी है और जो कि वॉरंट ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स में, और सब कुछ तैयार है। तो ये बाउट आरंभ होती हुई आकाश होता हुआ इस बाउट का, अंतर्राष्ट्रीय कुश्तियों के नियमों का निर्वाह किया जाएगा। 3-3 मिनट के 2 राउंड, बाबा रामदेव का उत्साह चरम पर, आप देख सकते हैं धकेल रहे हैं अभी वो। देखिए आंद्रे स्टैडनिक की जो बीवी है मारिया को हमने कई बार देखा है, उनमें कितनी क्षमता है, और ये भी ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट है। और देखिए बाबा रामदेव क्या कला दिखा रहे, कितने झुके हुए हैं। ओहो, क्या पटरी दे दी, क्या तो बाबा ने जबरदस्त कला दिखाई है। आते ही स्टैंडिंग पोजीशन से गिर दिया और 4 अंक मिलते हुए, और जब आप गिरते हैं इस तरह से डेंजर पोजीशन पर तो 4 अंक मिलते हैं। बाबा रामदेव को मिले ओलंपिक के पूर्ण सिल्वर मेडलिस्ट के खिलाफ 4 अंक, और ये गहरी पट की खूबसूरती के साथ आखिरी क्षणों में उन्होंने इरादा बदला। ये देखिए आंद्रे स्टैडनिक को गिराया, आंद्रे स्टैडनिक खूब घूम गए और किसी तरीके से खतरे को टाल दिया उन्होंने। पूरी चुनौती दे रहे हैं बाबा रामदेव, कितने नीचे झुके हुए हैं, फुटवर्क देखिए, स्तर का देखिए, ओहो गजब का। और ये रंगी पोजीशन में आए और इसे कहते हैं कैची दाव। जी हाँ, कैची दाव का बहुत ही उम्दा उन्होंने प्रदर्शन किया। और उसके बाद ये देखिए कैची बहुत ही बढ़िया लगाते हैं, सुशील ने इसी कैची दाव पर बीजिंग ओलंपिक खेलों का कांस्य पदक हासिल किया था। और यहाँ देखिए बड़ा तुलकी बढ़ती और 8-0 से आगे है बाबा रामदेव। ये तो एक ट्रैफिक नजर आ रहा है, एक ही तरफ ट्रैफिक जा रहा है, यानी कि बाबा रामदेव भी सड़क पे चल रहे हैं। ये पतंजलि के हनी का कमाल है, या पतंजलि के आमला जूस का, या पतंजलि के एलोवेरा का, या पतंजलि के बादाम पैक का। देखिए जो भी है यहाँ पे जो कला है अद्भुत है, और आंद्रे के पास कोई जवाब नजर नहीं आ रहा। 8-0 से आगे है बाबा रामदेव। जी हाँ बिल्कुल, और यहाँ कदमों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, और जिस तरीके से वो लड़ रहे हैं और यहाँ दर्शकों को रोमांचित कर रहे हैं, दर्शक इसे याद रखेंगे। और यहाँ पहले ढाक लगाना चाहते थे अपने दम में उलझे स्टैडनिक, और यहाँ ये देखिए कुंदे पकड़कर उठाया, और उठाने के साथ ही बढ़त को उन्होंने 10-0 कर दिया। मुझे लग रहा है कि 15 अंकों का गैप ना हो जाए, अगर 15 अंकों का मार्जिन है तो मुकाबला समाप्त, यानी कि बाबा रामदेव जीत जाएंगे। आंद्रे कठिनाई में यहाँ पे पोजीशन ले सकते हैं, पर बाबा रामदेव ये देखिए फिलहाल बचे बाबा रामदेव, लेकिन फिलहाल बढ़त उनकी 12-0 की हो गई है। चीन के कालवा